एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। फ्रेंड, ये वीडियो पंचमी के दिन का है और इस दिन हमारा फास्ट था, दोनों लोग ही फास्ट थे और यहाँ पे तैयारी हो रही है चंडी मंदिर जाने का। और अभी ये शाम के टाइम का वीडियो है, पूजा पाठ का तो मैंने सुबह में वीडियो शूट किया था। फ्रेंड भाई बोलो, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो बोलो? मंदिर। सुबह में तो टाइम नहीं मिलता है कि मंदिर हम लोग जाएं, और इवनिंग के टाइम में ही थोड़ा सा टाइम मिल जाता है फ्रेंड मंदिर वगैरह जाने के लिए। तो मैंने सोचा चलो नवरात्रि के टाइम में, शाम के टाइम में भी पूजा पाठ बहुत ही अच्छे से होती है, तो शाम के टाइम में ही चल देते हैं और दर्शन पूजन करके आते हैं। रेगुलर जो चूड़ी पहनो थोड़ा सा गंदा दिखता है फ्रेंड, तो इसलिए मैंने सोचा चलो मैचिंग चूड़ी भी डाल लेती हूँ, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। और यहाँ पे मैं पहन रही थी चूड़ियाँ और जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी, क्योंकि साड़ी में मुझे बहुत टाइम लग जाता है साड़ी पहनने होने में और तैयार होने में, तो यहाँ पे फटाफट से निकल रहे हैं। कैसे दे रही हैं? मंदिर तो हम लोग पहुंच चुके हैं फ्रेंड, लेकिन भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी क्योंकि हर तरफ से लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने। बहुत ही प्राचीन मंदिर है और चारों तरफ से लोग यहाँ आते रहते हैं दर्शन पूजन करने, और यहाँ पे सुकून भी मिलता है सभी लोगों को, हर मनोकामना भी पूरी होती है, तो अक्सर यहाँ लोग आते जाते रहते हैं आसपास के। और मैं भी पहुँच चुकी हूँ इस भीड़ में दर्शन करने के लिए माता रानी का, और लग ही नहीं रहा था कि दर्शन हो पाएगा क्योंकि सामने बहुत भीड़ लगा के रखे थे लोग। वैसे मंदिर तो अभी थोड़ा बहुत खाली ही था, शाम के टाइम में भीड़ बढ़ते जा रही थी। फाइनली भीड़ में हम लोगों ने जगह बना ही लिया फ्रेंड और दर्शन कर लिया, भले ही दब गए और बहुत ही अच्छे से दर्शन हुआ। कम से कम उनका चेहरा एक नज़र देख तो ली मैं और खूब अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जय माता दी, माता दी, जय माता दी। नवरात्रि में मंदिर आएँ और जवारा दर्शन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने आप सभी लोगों को 3 साल से दर्शन कराया है, तो अभी ये इस साल कैसे आप लोगों को छोड़ दूँ मैं? तो चलिए अभी दर्शन करते हैं जवारा का और चलते हैं मंदिर के पीछे जहाँ पे जवारा जल रहा है। फ्रेंड, यहाँ पे हर साल हज़ारों की संख्या में ज्योत जलाए जाते हैं और माता रानी के नाम का 9 दिन अखंड ज्योत रहता है और मंदिर परिसर ही इसकी देखभाल करता है। तो यहाँ पे सारे लोग दर्शन कर रहे हैं, हम लोग भी दर्शन कर रहे हैं, आप लोग भी करिए फ्रेंड। अभी हम लोग जवारा दर्शन करके इधर निकल चुके हैं बाहर के साइड और कुछ देर मंदिर में बैठना चाहते हैं फ्रेंड हम लोग, क्योंकि मंदिर से तुरंत जाना अच्छा भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए पूरा दिनांक डेट जो भी होता है सब दे दिया गया है, और कब विसर्जन है, कब जवारा है, कब भंडारा है, कब शोभा यात्रा है, ऐसे सब यहाँ पे लिख के बोर्ड वगैरह के द्वारा लगा दिया जाता है। और देखिए यहाँ पे फोटो वगैरह भी अगले साल का दिया हुआ है,
जो भी प्रज्वलित हैं, लोग जो यहाँ पे ज्योत जलवाए हुए हैं वो सब देख रहे थे। और हम लोग अभी चल रहे हैं मंदिर के अंदर और वहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे हम लोग। यहाँ पे बैठे रहे फ्रेंड, और देखिए अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ते जा रही है, लाइन लगी है लंबी सी। और यहाँ पे बैठने पे सच में बहुत अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है। तो थोड़ी ही देर में हम लोग निकलेंगे, और देखिए धीरे धीरे भीड़ बढ़ते जा रही है। नवरात्रि के टाइम में माता के दर्शन बहुत सारे लोग करना चाहते हैं और करना भी चाहिए। हम लोग मंदिर से निकले ही थे फ्रेंड कि तब तक ट्रैफिक हो गया, बहुत भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़, और बहुत सारी गाड़ियाँ जाम हो गई थी। और हम लोग को एक घंटा यहाँ वेट करना पड़ा, और हमारी स्कूटी थोड़ी दूरी पे खड़ी थी तो उसको लेके आने में भी बहुत टाइम लग गया, कम से कम एक घंटे। तो यहाँ मंदिर के बाहर ही हम लोग बहुत देर तक खड़े रहे, और धीरे धीरे जाम हटाए लोग बहुत ही मशक्क़त के बाद। और देखिए जो गाड़ी जहाँ खड़ी है वहीं पे है, कोई न इधर जा रहा है न उधर जा रहा है, बस एक डीजे वाले के कारण, क्योंकि वो इधर ही लेके आ गया था। फाइनली एक से डेढ़ घंटे बाद हम लोग निकल चले हैं फ्रेंड, और अभी मैं जा रही हूँ अपने बेस्ट फ्रेंड के घर, और आप लोग को भी ले चल रही हूँ। और बहुत दिनों के बाद मन हुआ कि नहीं चलते हैं, इधर ही जा रहे हैं तो थोड़ा सा मिल के आते हैं, बहुत दिन हो गया है। तो अभी चल रहे हैं मिलने के लिए, चलिए आप लोग भी, आप लोगों से भी मिलाती हूँ मैं। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं फ्रेंड अपने फ्रेंड के घर, तो यहाँ पे थोड़ी देर रुकने के बाद फिर हम लोग जाएंगे। और इधर कुछ काम भी था हस्बैंड जी को, तो इधर आना ही था, तो मैंने बोला चलिए हम लोग भी चलते हैं, थोड़ा घूम के आ जाएंगे उधर से। और आजकल दिन बहुत ही मतलब सुना सुना लगता है, तो अच्छा भी नहीं लगता है, इसलिए हस्बैंड जी ने भी बोला कि चलो चलो घुमा के लाता हूँ मैं तुम्हें। हम लोग यहाँ पे आ गए हैं इनसे मिलने के लिए, और मेरे से मिलने नहीं, आपसे नहीं, अपने फ्रेंड से मिलो। इधर चल रहा है चाय नाश्ता, और उधर किचन में देखिए फलीदाना भून रही हैं, क्योंकि मैं अभी फास्ट हूँ तो मेरे लिए अलग से बनाना स्टार्ट कर दी हैं। देख लीजिए फ्रेंड, आने के बाद सेवा खातिरदारी में लग गई है। बहुत दिन हो गए थे आए हुए भोजपुरी में डालूंगी, आप बोलते रहिए। डेढ़ से दो घंटे रुकने के बाद फ्रेंड अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा इन लोगों से मिलके, और मन भी खुश हो जाता है क्योंकि अपने तरफ के लोग इधर बहुत कम हैं, जो है वही अपना लगता है, और सच में सब अपने ही हैं ऐसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आपसे भी तो बहुत अच्छा लगा। कोई जब नाराज़ रहता है तो हम इन बातें आराम से।
फ्रेंड वहाँ से निकल चले हैं हम, और फिर उसी रास्ते से हम लोग को जाना है, चंडी मंदिर के रास्ते से ही, और फिर वही ट्रैफिक, वही भीड़ भाड़, और माता रानी के मंदिर का दर्शन, समझ जाइए माता रानी के ही दर्शन। और पंचमी है तो भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी, और हम लोग धीरे 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 आगे बढ़ रहे थे। और देखिए रात के टाइम में मंदिर कितना प्यारा दिखता है, सच में बहुत ही ज़्यादा सजावट रहती है नवरात्रि में। और फिर वही ट्रैफिक है, देख सकते हैं आप लोग, ये हनुमान मंदिर है और यहाँ पे भी बहुत ही अच्छी खासी भीड़ होती है। इस मंदिर में मैं फ्रेंड कभी अंदर नहीं गई हूँ, इधर से आना जाना तो हमेशा होता है, कभी ना कभी जाऊँगी ज़रूर मैं, और अंदर माता रानी, अंदर भगवान हनुमान के दर्शन ज़रूर करूँगी। तो देखिए अब धीरे धीरे हम लोग निकल चुके हैं ट्रैफिक से। तो बस आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड, आई होप आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि मेरी आने वाली हर नई अपडेट सबसे पहले आप सभी को मिले। इसी के साथ धन्यवाद, श्री राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।